बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई। यहाँ पर जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले, और फिर हम जेड का वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। लेकिन पहले तो फर्स्ट निकालना है जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जेड की जो वैल्यू है वो पुट कर दें, जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई है। यहाँ पर एक्स के लिए वाई कॉन्स्टेंट होगा, तो जब डिफरेंशिएशन टर्म बाई टर्म करेंगे, तीन टर्म हैं इनके अलग अलग, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और फिर थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा थ्री ए एक्स वाई का। हम यहाँ आपको डिटेल में करके दिखा रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होगी थ्री है उसमें से एक कम करेंगे तो टू बचेगा। इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया। यहाँ पर इस देखिए एक्स के लिए वाई कॉन्स्टेंट होता है और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो, और ऐसे ही यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर थ्री एक्स और वाई कॉन्स्टेंट है तो इनटू में है, तो इसे हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे। अब डिफरेंशिएशन सिर्फ करना होगा हमें एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि वन के इक्वल आ जाएगा। तो थ्री एक्स स्क्वायर ये, और माइनस का थ्री ए वाई, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन। इस तरीके से फर्स्ट डेरीवेटिव अब जेड का आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री ए वाई। लेकिन अभी फर्स्ट डेरीवेटिव ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स के अलावा वाई भी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव डेल जेड ओवर डेल वाई और होगा। तो इसी तरीके से जेड की जो वैल्यू है वो पहले पुट कर दें, जो कि दे रखी है क्वेश्चन में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई। इसमें भी हम टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन ऐसे ही, फिर थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर माइनस साइन को हमने बाहर ले लिया है, थ्री ए एक्स वाई। वाई के लिए एक्स कांस्टेंट है तो ये जिसका डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट का ज़ीरो होता है, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई की पावर थ्री है, पावर आगे जाएगी, और जितनी भी पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगी, यानी टू बचेगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेम है। और वाई के लिए एक्स कांस्टेंट होगा, और साथ ही साथ थ्री ए भी कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे थ्री एक्स एस को। सिर्फ हमें वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा, ये ज़ीरो जोड़ के हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, और माइनस का थ्री ए एक्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो गया। इस तरीके से जेड का पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया थ्री वाई स्क्वायर माइनस का थ्री ए एक्स। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन में हमें फर्स्ट डेरीवेटिव मिला है, और इक्वेशन नंबर टू में यहाँ पर फर्स्ट डेरीवेटिव मिला है। हमसे कहा गया था फर्स्ट डेरीवेटिव और सेकेंड डेरीवेटिव भी फाइंड करें। तो सेकेंड डेरीवेटिव ये तीन होंगे, क्योंकि डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर होगा एक, बाकी हम दो निकालेंगे बाद में। तो ये निकलेगा ऐसे, फाइंड ऐसे करेंगे इसको कि हम पहले जो फाइंड कर चुके हैं डेल जेड ओवर डेल एक्स, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में हमारे पास है, वो ऊपर से देख के आप नोट कर लीजिएगा। डेल ओवर डेल एक्स इसकी वैल्यू है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री ए वाई, ये वैल्यू हमने लिख लिए। और टर्म बाई टर्म इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो हमें जो सेकंड डेरिवेटिव है यानी डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन जो कि थ्री एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस है सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में थ्री ए वाई का। यहाँ पर थ्री इंटू में कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स स्क्वायर का। और एक्स के लिए वाई कांस्टेंट है, थ्री तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है और ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए पूरी वैल्यू ये कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम, यानी टू में से वन कम करेंगे वन आ जाएगा, वन लिखने की ज़रूरत नहीं। इनका इंटू आ जाएगा सिक्स एक्स, ये आ गया सेकेंड डेरीवेटिव डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो सेकेंड डेरीवेटिव हमें निकालना था, तीन होंगे इनमें से एक निकाल दिया है। अब हम फाइंड करेंगे डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो ये ऐसे निकलेगा, फाइंड होगा कि हम जो फाइंड कर चुके हैं डेल जेड ओवर डेल वाई, इसका दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। इक्वेशन नंबर टू में ये वैल्यू हमें मालूम है डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू, तो ये पुट कर देंगे
इक्वेशन नंबर टू से ये वैल्यू है, देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर टू ये है, डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू 3y² - 3ax है, तो यहाँ पर ये पुट करेंगे 3y² - 3ax। अब यहाँ पर भी दो टर्म है, इन दोनों टर्म्स का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी 3y² का अलग डिफ्रेंसिएशन, माइनस का साइन लगा दें और एक्स 3ax का डिफ्रेंसिएशन अलग। x के लिए y कांस्टेंट होगा और 3 तो कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, इसलिए पूरी वैल्यू ही कांस्टेंट है। x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसलिए तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। x के लिए ये 3 कांस्टेंट है, इनटू में बाहर ले लेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन हमें करना होगा x का x के रिस्पेक्ट में, जो कि हो जाएगा ये माइनस 3 ए बचा, x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1, तो ये माइनस 3 ए आया। और ये वैल्यू आई है वो डेल 2 जेड ओवर डेल x डेल y की वैल्यू आई है। अब थर्ड एंड लास्ट हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये ऐसे फाइंड होगा कि हम जो फाइंड कर चुके हैं डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वेशन नंबर टू में, इसको दोबारा से वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर टू में अभी दिखा चुके थे वही है 3y² - 3ax। इसमें भी दो टर्म है, इसको अलग अलग वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, 3y² का अलग और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना होगा 3ax का अलग। यहाँ पर देखिए ये 3 इंटू में है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन हमें करना होगा वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई। और एक्स के लिए वाई के लिए एक्स कांस्टेंट होगा, 3 एब्सोल्यूट कांस्टेंट है और ए आर्बिट्री कांस्टेंट, इस तरीके से पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यहाँ पर 3 तो है ही, साथ में यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर 2 जो होगी वो आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होगी यानी 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये वैल्यू 6y के बराबर इक्वल आ चुकी है, यानी हमारा जो z का सेकंड डेरिवेटिव आया y के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू 6y है। तो सारे डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड हो चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट आया था डेल 2 जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये एक आंसर हो गया सेकंड डेरिवेटिव का, और डेल टू जेड ओवर डेल एक्स बाई डेल डेल एक्स डेल वाई ये वैल्यू आई है माइनस 3 ए, और ऐसी डेल टू जेड ओवर डेल जो लास्ट में आया हमारा ये डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, तो ये हमारा भी सेकंड डेरिवेटिव है। तो ये थर्ड हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव पूछे थे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दे रखे थे, इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव की फाइंड कर लिया और सेकंड डेरिवेटिव, तो सारे डेरिवेटिव यानी पांचों डेरिवेटिव में पूछे गए थे वो हमने सब फाइंड कर दिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।